राजधानी रांची सहित पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर तरफ देशभक्ति की भावना लोगों के बीच नजर आ रही है। शहर के तमाम चौक चौराहे तिरंगे से पटे हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी हर तरफ की जा रही है। इसी कड़ी में हर घर तिरंगा का आह्वान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे के साथ बाइक रैली निकाली और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी रांची वासियों को अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की है। भारत माता की। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अगले साल एक हम लोग इसको पर्व के रूप में लिए थे और अगले साल हर घर तिरंगा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लगा था। उसी के तहत इस साल भी हम लोग इस आज़ादी के उपलक्ष्य पर घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत हम लोग घूम रहे हैं, मोहल्ले वासी को जागरूकता कर रहे हैं कि सब कोई अपने घर पर तिरंगा लगाए। चूँकि देखिए, आज़ादी की लड़ाई में तो हम लोग उसमें थे नहीं, तो आज़ादी की लड़ाई तो हम लोग लड़े नहीं, लेकिन ये अफसोस नहीं रहा कि हमने देश के लिए कुछ किया नहीं। तो देश के जो स्वतंत्रता सेनानी जो इतने लोग जो आप देश के प्रति देश को आज़ाद करने में अपने जान निछावर कर दिए, उनके सम्मान में हम कम से कम यहाँ जनता को जागरूक करें कि हर घर में उनके सम्मान के लिए हम घर के ऊपर तिरंगा लगाएं और उनकी यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देशभक्ति हम नहीं लड़े, लेकिन कम से कम ये तो रहेगा कि हमने तिरंगा उठा के हमने रोड में दौड़ा। तारीख निकाली जाती कि ऐसा कोई तिथि तय नहीं है, लेकिन अपने घर में लगा ये हम लोग जागरूक आदमी जागरूक है, सब घर में तिरंगा लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग एकदम वैसे वैसे एरिया में जाएंगे, सलम बस्ती में जाएंगे, दबे कुचले जो अंत्योदय व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे और उनके पास तिरंगा देंगे और बोलेंगे कि आप अपने घर पर लगाएं और जो सक्षम व्यक्ति है वो भी अपने पड़ोसी जिनके पास नहीं है उनको तिरंगा दें और वो तिरंगा अपने घर पर लगाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी सदस्य संजय जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पिछले साल भी हर घर तिरंगा का अभियान चलाया गया था और इस साल भी देशभक्ति की भावना से लबरेज होकर हर कोई अपने घर में तिरंगा लगाएगा। इसी की अपील आज इस बाइक रैली के माध्यम से लोगों से की जा रही है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।